हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह विद पीडीएफ चैप्टर नंबर 2 धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का पार्ट 3। आज मैं अर्चना सिंह आपकी होस्ट लेकर आई हूं आपके सामने। स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की बुक, जो कि प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका ही सार हम लोग कर रहे हैं रेगुलरली। डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है। चैप्टर 1 हो चुका है, उसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है सक्सेस मंच पेज प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को और लिंक को ज्वाइन की कर लीजिए आप लोग। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे। दो पार्ट पहले हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। इसमें देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमारे और कवर करेंगे हम आज, और धीरे धीरे फिर आगे हम चलेंगे। चलिए इससे पहले, जो मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, आज भी फिर बोलती हूँ, जो सब व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा एंड तक देखिए और फिर डिसाइड करिए कि इस चैनल पर आपके काम की वीडियोज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बट हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। उस पर मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आप अगर एक बार विजिट करेंगे चैनल पर, तो आपको अपने काम की वीडियोस उस पर ज़रूर ही मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ये आप देख सकते हैं रिवाइज के लिए कि हमने कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज की थी। ये सामाजिक सुधार आंदोलन में स्त्रियों की दशा में सुधार हमने कर लिया था, अब हमें वर्ग आधारित सुधार देखना है, और स्त्रियों की दशा में जो वैधानिक प्रावधान हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और बाल विवाह पे क्या सुधार हुआ था, सती प्रथा पे क्या सुधार हुआ, स्त्री शिक्षा पे क्या सुधार हुआ, ये सब हमने देखा था लास्ट की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं हेतु वैधानिक क्या क्या उपाय किए गए हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, उसके बाद महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या उपबंध किए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं पूरा स्पेक्ट्रम के ऊपर, और आप इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके प्री में काम आएंगे, और अगर आपको मेंस में लिखने को आता है कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं हेतु वैधानिक उपाय बताइए, एमपीपीएससी मेंस में भी आ चुका है, कई बार आ चुका है ये, और यूपीपीएससी मेंस में भी आ सकता है। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी एक ही बार पेपर हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन बट ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और आ सकते हैं आगे के इन फ्यूचर आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्र भारत में महिलाओं हेतु वैधानिक कौन कौन से उपाय किए गए। तो सबसे पहला जो वैधानिक उपाय किया गया है वो है संविधान की अनुच्छेद 14 और 15 में विभिन्न उपबंध किए गए हैं। जब भी हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए, और उन्हीं अनुच्छेदों के अंदर स्त्रियों को उनका अधिकार प्राप्त करने के संबंध में कई उपबंध बनाए गए हैं। इसमें विशेष प्रकार का भेदभाव रोकने के लिए, स्त्रियों और पुरुषों में जो भी भेदभाव किया जाता रहा है आज तक, उसको रोकने के लिए इसमें प्रावधान या उपबंध किए गए। सेकंड हम इसमें बात करेंगे 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा, एक विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया 1954 में। इसमें अंतरजातीय विवाह और अंतर धर्म विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, जो कि पहले बिल्कुल बैन था। कोई भी स्त्री या पुरुष अंतरजातीय या अंतर धर्म विवाह नहीं कर सकता था, तो अब उसे मान्यता दी गई विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा, एक पत्नी के रहते हुए पुरुष द्वारा दूसरा विवाह यहाँ करने पर रोक लगाई गई, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको उसका दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान यहाँ पर रखा गया। नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा लड़की को भी पुत्र के बराबर उत्तराधिकार बनाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई। ऐसे ही और भी बहुत सारे उत्तराधिकार, जैसे कि हिंदू गोद और विवाह अधिनियम द्वारा भी लड़की को इस संबंध में लड़के के बराबर माना गया।
आगे हम बात करते हैं 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम जो जिसका संशोधन हुआ था 1976 में और अभी फिलहाल में भी संशोधन हुआ है। आप मुझे ईयर बताइए इसका संशोधन कब हुआ है और इसमें मातृत्व लाभ की अवधि बढ़ा के कर दी गई है कितनी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप करंट अफेयर रेगुलरली देखते हैं, उससे अपडेट रहते हैं, तो इसमें गर्भावस्था के दौरान कार्यालय में कार्यरत महिलाओं को अनेक लाभार्थ उपाय की घोषणा की गई है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ओरिजिनल जो एक्ट है वो 1961 का है, संशोधन 1976 में हुआ है और अभी फिलहाल में भी संशोधन हुआ है कुछ साल पहले। आप मुझे बताइए कौन से ईयर में हुआ है वो संशोधन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति निदेशक सिद्धांतों की। नीति निदेशक सिद्धांतों में भी समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान या बराबर वेतन या पारितोषित दिया जाने का यहाँ प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा, समान पारितोषित अधिनियम 1976 में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और नौकरियों में भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर ये अधिनियम अलग है, समान पारितोषिक और पारिश्रमिक अधिनियम 1976। चलिए आगे अधिनियम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1976। इसमें सभी कारखानों के लिए अनिवार्य बना दिया गया कि यदि किसी कारखाने में 30 या उससे अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं तो कारखाने के जो मालिक है या प्रबंधक है उसे क्रैच की स्थापना करनी जरूरी है। क्रैच मतलब शिशु को देखभाल करने वाला जो ग्रह होता है, जहां कार्य के दौरान महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल की जाए। तो ये कारखाना अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यहाँ ये दोनों पैराग्राफ साथ में आएगा, महिलाओं को अत्याचार से बचाने के लिए अनेक अधिनियम जोड़े गए। ये दोनों, ये जो पैराग्राफ है ये एक साथ है, ये इसमें एरो नहीं है यहाँ पर। तो ये जो बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए गए, कोड बनाए गए जिसमें महिलाओं को अत्याचार से बचाया जाए और उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर जोड़ा जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1986 में बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1986 में दहेज निवारण अधिनियम जो कि 1961 था, दहेज निवारण अधिनियम 1961 था जिसको संशोधित किया गया 1961 में। दहेज निवारण अधिनियम 1961 था जिसका संशोधन किया गया 1986 में और इस संशोधन के द्वारा दहेज लेना और देना दोनों ही यहां अपराध माना गया, दोनों ही जुर्म की श्रेणी में रखा गया। आगे हम बात करें 1987 में पारित अधिनियम, एक अधिनियम 1987 में पारित हुआ जिसके तहत सती प्रथा को अक्षम्य मानव हत्या अपराध घोषित किया गया, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, जिसके विरोध में अपील नहीं की जा सकती अगर किसी ने सती प्रथा को बढ़ावा दिया तो। तो ये हमने बात की कि इस महिलाओं से रिलेटेड कौन कौन से अधिनियम चलाए जा रहे हैं स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले हमने पहले ही बात कर ली थी, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से सरकार ने उनके हित में अधिनियम चलाए हैं इसके बारे में हमने बात की। अब हम आगे देखेंगे टॉपिक कि वर्ग आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष, कौन कौन से संघर्ष किए गए वर्ग आधारित शोषण के विरुद्ध, ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जाति कठोरता में कमी आई। जैसे पहले छुआछूत होता था, जाति व्यवस्था होती थी, अपरिष्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, कोई नीची जाति के लोग होते तो उसका हाथ का पानी नहीं पीते थे, यहाँ तक कि उनकी परछाई भी देखना मंजूर नहीं किया जाता था। तो इस ऐसी सामाजिक जो व्यवस्था थी हमारे भारत में, उसमें किन्हीं कारणों से कमी आई, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण कमी आई, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला अगर हम कारण की बात करें तो वो है उपनिवेशी शासन का प्रभाव। मतलब कि भारत में उपनिवेश का शासन आ जाने से, अंग्रेजों का शासन आ जाने से जाति प्रथा में बहुत ज़्यादा कमी आई। अंग्रेजों ने ग्राम पंचायतों की जाति पर आधारित न्याय प्रणाली को समाप्त कर दिया, आधुनिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की जिसमें सभी जातियों को समान न्याय और समान न्याय के अवसर यहाँ प्राप्त होते थे। प्रशासनिक पदों और सरकारी कार्यालयों में भी भर्ती के लिए सभी जातियों के लिए खोल दिए गए थे। मतलब इसमें ये नहीं देखा गया था, भारतीयों के साथ और अंग्रेजों के साथ तो भेदभाव इन्होंने रखा, बट भारत में ही जो सेम ऊंची नीची जाति होती थी उसमें इन्होंने भेदभाव हटा दिया था।
कोई भी जाति का कोई भी मनुष्य यहाँ सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था में भी जातियों को शिक्षा ग्रहण करने के समान यहाँ पर अवसर दिए गए। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार आंदोलन। बहुत सारे ऐसे सुधार आंदोलन चलाए गए जिसके कारण जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा मतलब जाति प्रथा में बहुत ज़्यादा कमी आई। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, इन्होंने निम्न जाति के लोगों की दशा सुधारने के बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किए। इस कारण से जाति प्रथा की जो कठोरता थी वो पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कम हो गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चला तो उसमें क्या हुआ कि 1937 में जब विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी तो उसको बनने के पश्चात बहुत सारे दलित थे उनके उत्थान के लिए वहाँ कार्य किए गए। क्योंकि जब अपने ही देश के लोगों द्वारा सरकार बनाई गई तो अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए वहाँ बहुत सारे कार्य किए गए। कांग्रेस सरकार ने तो कुछ राज्यों में हरिजनों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया। त्रावणकोर, इंदौर और देवास के शासकों ने स्वयं पहल करके अछूतों को मंदिर में जाने का यहाँ पर अधिकार दे दिया था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एक महत्वपूर्ण कारक था जिनके कारण जाति व्यवस्था में कमी आई थी। नेक्स्ट यहाँ आएगा अपरिष्यता। अपरिष्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन। अपरिष्यता के विरुद्ध गांधी जी ने बहुत सारे व्यापक स्तर पर आंदोलन चलाए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं जाति प्रथा या फिर छुआछूत को बढ़ावा नहीं देता, मान्यता नहीं देता, और यदि कुछ शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है भी तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बुराई सत्यता के सिद्धांत से विपरीत है। ये कथन था गांधी जी का। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1932 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। आगे हम बात करेंगे दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार, मतलब कि शिक्षा में व्यापक प्रसार और जन जागृति के फलस्वरूप भी दलित वर्ग के लोगों में बहुत ज़्यादा चेतना की वृद्धि हुई। उनके अंदर भेदभाव और उत्पीड़न की जो पीड़ा थी उसका विरोध करना उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया जब उनको शिक्षा के अवसर मिलने लगे। दलितों ने उच्च जाति की जातियों और शोषण के विरुद्ध कई आंदोलन चलाए, जैसे कि महाराष्ट्र में माली जाति में जन्मे जो थे ज्योतिबा फूले, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के विशेषाधिकार को चुनौती दी और उन्होंने दलितों में विशेषकर दलित महिलाओं में शिक्षा के प्रचार को प्राथमिकता दी और उनके लिए बहुत सारे स्कूल भी खोले। इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कौन नहीं जानता, जो कि बाल्यावस्था से ही जाति भेदभाव के प्रत्यक्ष गवाह थे। आजीवन उच्च वर्ग की जातियों के विरुद्ध वो संघर्ष करते रहे और उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ बाबा साहब अंबेडकर द्वारा इसकी स्थापना की गई और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर बहुत सारे जो दलित नेता थे उन्होंने आपस में मिलकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। और डॉक्टर अंबेडकर ने ही समाज की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, जो चार वर्णों की व्यवस्था थी, उसकी आलोचना की और कहा कि अगर जब तक इसे दूर नहीं किया जाएगा तब तक समाज में उत्थान आना संभव नहीं है। ऐसे ही 1935 में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया और इससे भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। आगे हम बात करेंगे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जैसे कि अभी हमने बात की कि उपनिवेश काल जब चल रहा था तो उसमें क्या किया गया कि ऊंची जाति और नीची जाति में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। अंग्रेजों और भारतीयों में जरूर भेदभाव था बट जातियों के आधार पर सरकारी नौकरी में मेनली इंडियंस में कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं किया गया था। तो जैसे जैसे रोजगार उन्हें प्राप्त हुआ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, जब आर्थिक स्थिति सुधरी शिक्षा के अवसर बढ़े और शिक्षा के अवसर बढ़ने पर उन्हें तरशक्ति मानववादी इन चीज़ों का विकास हुआ और इससे उन लोगों के अंदर आया कि हमें भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, उसके बिना हम अपना सुधार नहीं कर सकते। स्वतंत्र भारत का संविधान। स्वतंत्र भारत में कई ऐसे संविधान, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जैसे कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अपरिष्यता निवारण अधिनियम ये लाया गया कि जिसने भी अपरिष्यता को बढ़ावा दिया उसको दंड का प्रावधान किया गया। और बहुत सारे ऐसे संविधान जैसे कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया कि राज्य अपनी समस्त प्रजा के लिए समुचित उत्थान का प्रयास करेगा
और वो सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के समान अवसर देगा, ताकि किसी भी आधार पर उसके उत्पीड़न और भेदभाव पर रोक लगाया जा सके। तो ये मेन जो रीज़न थे, मेन जो कारण थे, इस वजह से, इन कारणों की वजह से जाति व्यवस्था में कमी आई थी। बट वो कमी किस हिसाब से आई थी, कैसे आई थी, चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करेंगे जो स्पेक्ट्रम की बुक में सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है, सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं उनके नेता। मतलब कि जो भी आंदोलन चलाए गए प्लस उनसे जुड़े हुए जो नेता थे, उनके बारे में पूरी जानकारी इस चैप्टर में। बहुत ही लेंथी चैप्टर है और मैं इसमें शॉर्टकट कोई ट्रिक यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ। कोई भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है, आप चाहे तो बुक पढ़ के देख सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, और इन्हीं आंदोलनों को हम डेली 5-5, 6-6 आंदोलन करेंगे तभी ये कंप्लीट होगा। शॉर्टकट नहीं कराऊंगी, पूरा प्रॉपर नोट्स दूंगी आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, तो इसके लिए आप लोग भी प्रिपेयर रहिए पहले से ही। तो पहला इसमें आंदोलन हम लोग कल करेंगे, राजा राममोहन रॉय और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, यंग बंग आंदोलन तथा हेनरी विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जांबेकर, विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियां, परमहंस मंडली, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल गणेश अगरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, सेवा सदन, देव समाज, धर्म समाज, भारत धर्म महामंडल, राधा स्वामी आंदोलन, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, वकालिक संघ, न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, अव्विपुरम आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, बहावी आंदोलन, टीटू मीर आंदोलन, फराजी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद स्कूल, पारसी स्कूल आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन, थियोसॉफिकल आंदोलन। तो हमने इतने सारे आंदोलन देखे, अगर आप खुद ही दिमाग में माइंडसेट कि अगर सारे आंदोलन हम एक एक पॉइंट कर लेते हैं कि उसमें कौन नेता था, कब शुरू हुआ, कैसे उस किस दिशा में वो आगे बढ़ा, किस क्षेत्र में उसने सुधार किया, तो काफ़ी हद तक हमारा ऑलमोस्ट आधुनिक भारत जो कवर हो जाएगा, क्योंकि आंदोलनों पर ही ये सारे डिपेंड्स हैं बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जल्द ही MPPSC UPPSC मेंस की सीरीज जो चल रही है वो चलती रहेगी। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बार बार बोल रही हूँ, कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और क्या देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।